कानपुर के बड़े चौराहे पर आप इस समय पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं किस तरह से जाम लगा हुआ है, चारों तरफ आदमी आदमियों किचपिर मची हुई है। थोड़ी सी बारिश के बीच लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। किसी किसी के चेहरे पर मुस्कान भी नजर आ रही है, किसी किसी के चेहरे पर हताशा भी नजर आ रही है कि वो निकल नहीं पा रहे हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ कितना सारा जाम लगा हुआ है, लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां मशक्कत हो रही है। ये हमारे कल्लू भैया खड़े हैं साइकिल लेकर। पुलिस प्रशासन इस समय आ गया है चौराहे पर, अभी बहुत ही जल्द जाम को खुलवाएंगे। आप देख सकते हैं वो देखो मूंछों वाले जो पुलिस अंकल आ चुके हैं इस समय चौराहे पर ट्रैफिक को क्लियर कराने के लिए, थाने से प्रशासन भेजा गया है। ये देख सकते हैं आप सर जल भराव की भी समस्या काफी नजर आ रही है यहाँ पर। आप देख सकते हैं ये आप देख सकते हैं थोड़ी देर में तालाब बनता नजर आ जाता है दिव्यापुर, जरा सी देर में आप देखें इसको। स्कूली बच्चे भी वैन के अंदर बैठे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा गर्मी का माहौल है, बारिश भी हो रही है और जाम भी लगा हुआ है, परेशानी नज़र आ रही है। ये देखिए आप हर तरफ परेशानी नज़र आ रही है लोगों को। इस चौराहे को बड़ा होने के लिए प्रशासन से मांग की गई थी, इस चौराहे को बड़ा ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला मैं टाइम लगेगा इसको बड़ा होने के लिए, जब जाके जाम की समस्या से निजात पाएगा ये दिव्यापुर शहर। देख सकते हैं दूर दूर तक लंबी कतारें कारों की लगी हुई हैं, कार बाइक सारे ऑटो वाले सारे लोग ही हैं इसमें, सभी लोग इस समय परेशान कर रहे हैं और हम भी इस समय जाम में फंसे हुए बहुत जोरों से। उससे मेरा क्या फायदा, ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पर। अच्छा ये देखिए लोग बाग पैदल निकल के आ रहे हैं गंदे पानी में, नाले का ये गंदा पानी है, शहर का सारा गंदा पानी। और इस समय ये जो जगह है वो मैंने आपको गलत बताया था, कानपुर नगर नहीं है ये, नसीम इलेक्ट्रॉनिक फपून चौराहा दिव्यापुर डिस्ट्रिक्ट औरैया की जगह है। देख लीजिए आप थोड़ा ट्रैफिक क्लियर हुआ है, थोड़ा बढ़ रही है, गाड़ियाँ रेंग रही है, ट्रैफिक क्लियर होते ही लोग अपने अपने घर की तरफ बढ़ जाएंगे, जाम की समस्या से निजात मिलेगी लोगों को। चलिए मिलते हैं। काफी ज्यादा भरा हुआ लेके ये आप ये देख रहे हैं आप छोटू भाई कितना सारा ऑटो भर के लेके जा रहे हैं। यहाँ हम लोग खाली गाड़ी लेकर खड़े हुए हैं, यहाँ छोटू भाई हमारे पूरी गाड़ी भर के लिए चले जा रहे हैं। जाम की स्थिति क्या है, आखिर ट्रैफिक क्लियर होने में कितना समय लग जाएगा। ट्रैफिक क्लियर होने में अभी लगेगा काफी ज्यादा समय, ये देख सकते हैं आप लंबे वाहनों की कतार लगी हुई है, सोशल मीडिया पे डाला जाएगा। ये देख सकते हैं आप दूर दूर तक ये थाने वाला रोड है, स्टेशन वाला, इधर भी आपको देखने जाम देखने को मिल सकता है और ये इस साइड और ये रोड की तरफ भी आप देखें हर तरह की गाड़ी, हर प्रकार की गाड़ियाँ यहाँ फंसी हुई हैं, ट्रक है, बस है, बाइक वाले भी हैं। बहुत ही ज़्यादा लंबा जाम लग चुका है इस समय और जाम से निजात के लिए चौराहे को बड़ा होना ही पड़ेगा। गुलाबी आँखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गए। अच्छा हमको सिखा रहा है, ऑटो वाला समझ के
निकालो चाहे निकालो, ट्रैफिक को क्लियर कराने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत, गाड़ी से उतर उतर के अपनी खुद की मदद कर रहे हैं। रहा ये कितना बड़ा खबूस है खाने में, इसने हमारे हक का आम मार के खा लिया। इसके मुंह में जो आम जा रहा है आप देख सकते हैं, ये हमारे हिस्से का था, हमने भैया से कह के मंगवाया था ये आम, ये जो खा रहा है इसको ये शायद आम हजम हो जाएगा, हम ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। और इतनी बेशर्मी के साथ ये खा रहा है, इसके चेहरे की स्माइल इसको बता रही है कि बंद करो यार, ब्लॉग बन रहा है, लाइव चल रही है, लाइव चल रही है, पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है।